हिमाचल प्रदेश ने अपनी सस्ते राशन डिपो की मदद से राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा कानून लागू करने के मामलों में विशेष श्रेणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि आवागमन और वितरण की दिक्कतों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए जानकारी दी कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है, जिसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश देश भर में दूसरे नंबर पर आया है। गौर हो कि खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री शामिल हुए थे, जहां पर हिमाचल प्रदेश की ओर से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी भाग लिया था। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को लेकर दिल्ली के अंदर केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में देश भर के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें किस प्रकार देश भर के अंदर जो है NFSA के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है और उन खाद्यान्नों में पोषण की मात्रा जो है वो ठीक सुनिश्चित हो, इसके लिए गहन चर्चा हुई और पहली बार केंद्र के द्वारा देश भर के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है उसके रैंकिंग की गई कि कहां कहां किस किस प्रदेश में किस प्रकार या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम जो लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, उसकी रैंकिंग कैसी है। तो पहली बार यह कार्य केंद्र सरकार की ओर से किया गया, जिसमें जो हमारी स्पेशल स्ट्रीट्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो देश भर में दूसरे स्थान पर आया है, जिसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम जो है बहुत ही गंभीरता के साथ जो है चलाया जा रहा है। और साथ ही मैं अपनी विभागीय टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे जो PDS के जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे डिपो होल्डर्स हैं, उन डिपो होल्डर्स को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं।